हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है 7 o'clock और मैं अभी नहा करके आई हूँ। और वजह क्या है? वजह हो आप लोग, क्योंकि मैं पिछले 6.5 घंटे से लगभग अपना व्लॉग एडिट कर रही थी होली वाला। कल एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो रात को फिर जग करके मैंने व्लॉग एडिटिंग नहीं की थी। तो इसीलिए मुझे आज पूरी वीडियो एडिट करके अपलोड करना था, और ये बहुत बड़ा टास्क होता है सेम डे एडिट करके अपलोड करना। और अगर मैं नहीं करती तो फिर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, बहुत से लोग बोलने लगते हैं कि व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। और दूसरा क्या था, मेरे पास टारगेट ये भी था कि मुझे 4-5 बजे या 6 बजे से पहले अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब मैं लेट नाइट अपलोड करती हूँ, क्योंकि वो देख नहीं पाते। तो किसी की नींद ख़राब हो जाती है, किसी को अपनी मम्मी से डांट पड़ती है। मैंने अभी अभी एक कमेंट पढ़ा कि दीदी आपने व्लॉग दिन में डाल दिया, मतलब इवनिंग में डाल दिया, अच्छा हुआ आप रात में डालते हो तो मुझे जगना पड़ता है, और जब मैं जगती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है। तो इसीलिए मेरा आजकल टारगेट रहता है कि मैं थोड़ा इवनिंग में ही व्लॉग्स अपलोड कर दूँ। तो ये भी प्रेशर था, इसीलिए मुझे एकदम मतलब एक जगह जम के बैठ के 6.5 घंटे लगे हैं व्लॉग को आप तक पहुँचाने में। और मैं थोड़ा सा अच्छे से काम इसलिए कर पाई क्योंकि सिद्धार्थ घर पर नहीं है, वो अपने पापा के साथ गया हुआ है क्लास अटेंड करने, उसकी कीबोर्ड की क्लासेस हैं आज, तो वो अटेंड करने गया हुआ है। तो मुझे कम से कम 3-3.5 घंटे का टाइम मुझे मिल गया था उसके सिद्धार्थ के बगैर, ताकि मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट होके अपना काम कर सकूं। तो मैंने 6:45 बजे के आसपास व्लॉग डाला है, उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम किया, और उसके बाद अभी अभी मैंने नहा लिया। सुबह से मैं एकदम भूत जैसी बनी हुई हूँ आज, क्योंकि बिना नहाए ना तैयार होने का मन नहीं करता। मैं ऐसी बैठी हुई थी और फटाफट व्लॉग डाल के मैं नहाई हूँ सबसे पहले, ताकि मैं थोड़ा रेडी हो सकूँ। और ये देखिए, हमेशा सिंदूर रहता है, पर ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हमेशा ढक जाता है मेरे बालों से, इसलिए पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आज सिद्ध के साथ नहीं गई, क्योंकि मेरा जो एडिटिंग का काम था वो बहुत सारा था, और मुझे एनी हाउ वीडियो अपलोड करनी थी, अदरवाइज़ मैं सिद्ध के साथ भी जाती आज उसकी क्लासेस में। और रात के खाने की तैयारी मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ, मैंने दाल चढ़ा दी है। सिद्धार्थ ने फ़ोन करके बोला है उसको येल्लो दाल एंड राइस खाने हैं, तो अरहर की दाल मैं चढ़ा चुकी हूँ, अभी राइस चढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं नहा के भी आई हूँ और पूजा का टाइम भी हो चुका है, तो सबसे पहले मैं कर लूँ पूजा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी आगे का काम।
चावल तो अभी बन रहा है, सॉरी 5 मिनट्स लगेंगे। ओह सॉरी, ये क्या हुआ? अच्छा ऐसे ही है। चलो उतार उतार, शूज उतार, शूज जगह पे रखो, पहले शूज उठा के अपनी जगह पे रखो। और बाद हाँ मैं कुछ देती हूँ ना आपको खाने के लिए, बाथरूम में जाके हैंड वॉश करके आओ। क्या दोगे? कुछ भी। कुछ है? खीरा खाओगे? खीरा तो एकदम। फिर मखाना दे दूँ? हाँ मखाना एक कटोरी। एक कटोरी मखाना? पहले आप हैंड वॉश करके आओ सोना। अच्छा अच्छा, शूज पहन रहे हो। कैसी रही आपकी क्लास? अच्छी थी। अच्छी थी। पर आपको पता है वो नीचे वाला सॉन्ग था ना, टिंग टिंग, वो सामने इतनी फास्ट बीट में रहा, मैंने बीच में मैंने बजाया था, बीच में मैंने बजा दिया। बजा लिया? बहुत फास्ट। तो सर तो खुश हो गए होंगे। फिशी को भी खाना देना है आपको। तो क्या वो पोर्शन आप ठीक बजा पाए थे? नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे आप। एक लाइन सही बजा लिया और दूसरे लाइन में थोड़ा सा छूट गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं, मतलब उसका हाथा बजा लिया। तो तुम्हें आज कुछ नया सिखाया है? वही पुराने वाला में से रिपीट करवाया है? नया सिखाया है। सॉन्ग्स में ही बीट फास्ट हो गई। सिद्धार्थ नीचे से अकेले इसलिए आया क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कुछ सामान लाने के लिए, तो वो नीचे से ही चले गए हैं शॉप पर। और मेरे जो कैमरे की बैटरी है वो बिल्कुल डेड है, एनी टाइम बंद हो सकता है। तो ये वाला ब्लॉग जो है मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगी, मे बी मॉर्निंग से, और मे बी अगर अभी हो पाया तो, पर फिलहाल मैं इसको चार्ज पर डाल रही हूँ। तो अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। पहले मैं वीक में 2 बार सब्जियों की शॉपिंग किया करती थी, लेकिन आजकल थोड़ा टाइम कम मिल पाता है तो मैं वीक में 1 बार ही सब्जियां लेकर आती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी जो इस वीक की सब्जी है वो ले आई हूँ मैं, और मेरे जो लास्ट वीक में से 2 सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो मैं आज उनको ब्रेकफास्ट में निपटा डालूँगी। मतलब एक मुट्ठी तक ग्रीन प्याज था तो आलू और ग्रीन प्याज बना दूँगी मैं, और थोड़े से बीन्स पड़े हुए हैं 200-250 ग्राम, तो बीन्स की मैं भुजिया बनाने वाली हूँ। तो ये जो हरे प्याज की सब्ज़ी है ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं बीन्स फ्राई बनाने वाली हूँ, या आप उसे बीन्स भुजिया भी बोल सकते हैं, वो मैंने शेयर नहीं किया है। इतना ईजी है, 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है, सब्ज़ी या फिर आप उसको फ्राई बोल सकते हैं क्योंकि बस उसमें फ्राई ही करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए एकदम सूटेबल है जिन लोगों को बीन्स वगैरह पसंद नहीं आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बीन्स का जो एक कच्चा सा फ्लेवर होता है, आप कितना भी बीन्स को पका लें वो थोड़ा सा सख्त और वाटरी रहता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को उसका बॉयल जैसा टेस्ट आता है। तो उन लोगों के लिए
ये एकदम रेसिपी जो बीन्स फ्राई मैं बनाऊंगी वो परफेक्ट होगी और बहुत ही बढ़िया बनती है। इवन बच्चों तक को पसंद आती है क्योंकि सिद्ध को पसंद है और सिद्ध जो है ना बहुत फसी ईटर है। मैं हर चीज़ हर अपने खाने को अपने बेटे से रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर सिद्धार्थ उस खाने को खा लेता है तो हर बच्चा खा लेगा क्योंकि सिद्धार्थ बहुत फसी ईटर है, उसके साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के मामले में। बीन्स जो है वो सभी के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो अगर आपके बच्चे बीन्स की सब्ज़ी खाने में नखरा करते हैं तो एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, मे बी उनको पसंद आ जाए। तो अभी मॉर्निंग टाइम में तो मेरे घर में डेली ये सीन रहता ही रहता है, सिद्धार्थ को उठने के बाद या तो मम्मा या तो पापा 5 मिनट के लिए चाहिए ही होते हैं। तो एक ये जो सब्ज़ी है ग्रीन प्याज की बनके हो गई है रेडी और दूसरी मैं यहाँ पे तैयारी करने वाली हूँ। तो बीन्स ऑलरेडी मैं साफ़ सुथरा करके इसके एंड्स जो काट करके और धो करके मैंने रख दिया था और अब मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। तो बीन्स भुजिया के लिए बिल्कुल महीन 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 बीन्स काटने हैं आपको, मोटा मोटा नहीं काटना है। तो ये देखिए मैं एकदम छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। बीच में रुक करके सिद्ध के लिए मैंने बनाया है दूध क्योंकि उसे जो है उठते के साथ ही 5 से 10 मिनट में दूध चाहिए होता है। तो बस हल्की सी शुगर और हल्का सा बॉर्नविटा डाल के मैंने उसका दूध बना दिया है और सिद्धार्थ को मैं शुगर दूध में इसलिए देती हूँ क्योंकि वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसको मीठा वगैरह नहीं पसंद है और दूध वगैरह वो बिना शुगर के नहीं लेता है। तो इतना सा मीठा देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको रेगुलर टॉफ़ी चॉकलेट्स ये भी नहीं देती हूँ। और हमारे घर में आप देखते ही हैं कि मीठे के नाम पर 1-2 महीनों में जाकर हलवा या सेवैयाँ कुछ बनती हैं, रेगुलर बिल्कुल नहीं बनती हैं। और स्वीट्स भी जो बाहर से आती हैं वो नहीं पसंद है उसको, इवन उसको गुजिया भी नहीं पसंद आई क्योंकि वो मीठी थी, नमक वाली चीज़ें उसने सारी इंजॉय की पर हाँ गुजिया नहीं खाई उसने। तो दूध में इतनी शुगर देना चल जाता है। यहाँ पे मैं आपसे जो बीन्स फ्राई या फिर बीन्स भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये सुपर सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अंदर मैं कोई आलू वगैरह नहीं डालती हूँ, बस तेल में हल्का सा ज़ीरा डाला 1/2 चम्मच के आसपास, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बीन्स इसके अंदर ऐड कर दी जो कि हमने छोटी छोटी काटी थी। बस इसको हम कुछ सेकंड्स तक ही इस तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद आंच को हम धीमी कर देंगे और इसको ढक देंगे। करीब 1 मिनट के बाद हम लीड को हटाएंगे, इसके अंदर सॉल्ट मिलाएंगे और फिर से हल्का सा इसको चला करके और फिर से हम एकदम लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट में ही ये भुजिया बनकर रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी गरम क्योंकि ये जो मैंने दही वड़े बनाए थे होली पर तो वो मैंने फ्रिज में सूखे ही रख दिए थे, एकदम से सारों में मैंने दही नहीं मिलाया था, सोचा कि आज ये दही वड़े जो हैं वो सुबह सवेरे ही खा के ख़त्म कर दिए जाएं, तो बस मैं ब्रेकफास्ट में उसको सम्मिलित करने वाली हूँ दही वगैरह मिला करके। तो भुजिया जो है मेरी डन हो चुकी है और पराठे भी मैंने कर लिए हैं और सबको मैं गरम गरम पराठे देती जा रही थी तो हस्बैंड ने और सिद्धार्थ ने दोनों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट और ये है मेरा डिलीशियस ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। थोड़ी सी बची खुची सब्जियां जो थी उनको मिला करके और ये दही वड़ों के जो वड़े थे ये भी बचे खुचे थे, इन सबको मिला के ब्रेकफास्ट जो है वो सुपर टेस्टी बन गया था। होपफुली ये छोटू सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब वो तो आपको करना ही है, आपको मालूम ही है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।